हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। मैं धनबाद से हूँ, झारखंड से, और मैं सर जे स्कूल ऑफ आर्ट फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हूँ। इसी साल मेरा एडमिशन हुआ है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे चित्रांकन फाइन आर्ट स्टडी सेंटर का बोर्ड है, और मैंने इसी इंस्टीट्यूट में रह के तैयारी करके मैंने जे स्कूल ऑफ आर्ट का एंट्रेंस निकाला है ना। और मेरी आर्ट की जर्नी बहुत अप एंड डाउन से भरी हुई है ना। मैंने इससे पहले भी बहुत बार एग्ज़ाम दिया, खुद से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दिया, लेकिन हो नहीं पा रहा था कहीं से। फिर मेरे को मेरे दोस्त ने बताया, यहाँ BHU में पढ़ता है वो, उसी ने बताया कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है। उसी ने बोला कि लास्ट ट्राई कर लो एक बार यहाँ पे प्रिपेयर करके, तो मैं इधर आ गया। मैं इधर आया तो मैं भी वही इंस्टाग्राम वगैरह में देख के आया था कि बच्चे सिलेक्ट हो रहे बहुत सारे, तो मुझे भी लगा कि मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगा। और मैं दरअसल BHU के लिए आया था, मुझे JJ स्कूल ऑफ आर्ट नहीं जाना था, मुझे BHU देना था। मैंने सोचा कि यहाँ आता हूँ, बनारस में रह के तैयारी करूँगा तो BHU में एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ आया मैं और फिर BHU की तैयारी करने लगा। फिर साथ ही में सर से मैंने पूछा कि सर, JJ स्कूल ऑफ आर्ट का एग्ज़ाम दिया जाए कि नहीं, तो सर ने बोला हाँ दे दो। तो मैंने फिर दे दिया एग्ज़ाम और मेरा हो भी गया, पर जिसके लिए आया था उसके लिए वहाँ पे नहीं हो पाया, BHU नहीं हो पाया। पर अच्छा है कि BHU नहीं हुआ, उससे अच्छा मेरे को कॉलेज मिल गया। और अगर आपको भी अगर BFA करनी है तो मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ बनारस आएँ, चित्रांकन फाइन आर्ट स्टडी सेंटर, यहाँ पे क्लास है, वहाँ पे आप आके आराम से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे माहौल काफ़ी अच्छा है, बच्चे भी अपने अपने काम पे फुल फोकस्ड रहते हैं, और हमारे सर एकदम माहौल बना के रखते हैं ऐसा कि बच्चे निकाल जाते हैं, बस जैसे भी करके हो बस निकाल जैसा कि जाते आप हैं। पीछे देख सकते हैं कि ये मेरा काम है, ठीक है। और JJ में जाने के लिए आपको काम बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत कंपटीशन है, सीट्स कम हैं, टोटल 7 ही सीट्स हैं आउटसाइड स्टेट वालों के लिए, है ना। और भी काम है मेरे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक काम है ना, ये भी एक काम है, ये भी एक काम है, ठीक है, ये भी एक काम है। वाटर कलर में ये बना हुआ है, ये भी वाटर कलर में बनाया था मैंने। ये बनारस का घाट है, ये भी वाटर कलर से बना हुआ है, ये भी वाटर कलर लैंडस्केप है, जैसा कि आप देख भी एक सकते हैं, काम है, आप देख सकते हैं, वाटर कलर से बनाया था मैंने। तो जैसा और कि मेरा काम देखा आपने पीछे, तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप अगर BFA करना चाहते हैं, और अगर आप अगर क्लियर हैं कि आपको BFA करना है, तो आप घर में ना बैठें, क्योंकि मैं घर में बैठा रहा 3 साल, मेरा 3 साल बर्बाद हुआ है BFA के चक्कर में। अगर आप करना चाहते हैं तो फट से आ जाइए यहाँ पे, जहाँ के हैं आप, आपके अगर दूर पड़ता है तो फिर आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर आप आसपास रहते हैं, यूपी में रहते, बिहार में रहते, झारखंड में रहते, बंगाल में रहते हैं, तो आप यहाँ आके आराम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन पेपर से लेके टेस्ट सीरीज़ होती है यहाँ पे बहुत सारी, आपको क्वेश्चंस दिया जाता है, और वो क्वेश्चंस जो पढ़ते हैं वो लोग का BHU तो हो ही जाता है। और बाकी आपको पेंटिंग का भी माहौल मिलता है यहाँ पे पूरी तरह से, हर संडे आउटडोर क्लास जाते हैं सभी बच्चे, और सर के साथ भी, सर भी जाते हैं साथ में, है ना। और मैं बहुत खुश हूँ इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे लोगों से मैं मिला, और अच्छे लोग मिले मुझे, काफ़ी हेल्प किया मुझे, सर ने भी काफ़ी हेल्प किया, ट्यूशन के जो इंस्टीट्यूट के जो लड़के लड़कियां हैं उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया, यहाँ के बाहर के दोस्तों ने भी बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। तो आप अगर सीरियस हैं तो आप एकदम आइए यहाँ पे, घर ना बैठें। अगर घर बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला, आप, मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप पेंटिंग तो वही करोगे घर पे, जो करोगे यहाँ भी आके वही करोगे, लेकिन एक कम्पिटिटिव माहौल होता है ना,
कंपटीशन का एक माहौल होना चाहिए। वो कंपटीशन का माहौल आपको घर बैठे नहीं मिलेगा। घर में आप वही करोगे कि थोड़ा सा किया, 1 घंटा किया काम, फिर 2 घंटा खाया पिया सोया, फिर आप बाद में फिर वो काम नहीं कर पाते हो। यहाँ आओगे तो आपको प्रॉपर टाइमर लगा के टेस्ट देना पड़ता है, और अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो फिर दिक्कत है आपको यहाँ पे, है ना। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है यहाँ पे। अगर आपका काम अगर अच्छा नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे सर सॉल्यूशन बताते हैं, और आप बाकी बच्चों का देख के सीख भी सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन, मतलब कैसे बनाया जा सकता है कॉम्पोजिशन को, नए नए तरीक़ों से, नए नए एंगल से, नए नए पर्सपेक्टिव वगैरह से बनाया जा सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप यहाँ आ जाइए, अगर आपको अगर BFA करना है तो तैयारी करनी है आपको, और न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है अगले साल के एग्ज़ाम के लिए। इसी के साथ मैं चित्रांकन फाइन आर्ट स्टडी सेंटर और ख़ास करके अमरेश सर और उनके छोटे भाई अखिलेश भैया और बाकी यहाँ पे जितने भी लोग मुझे मिले, है ना, बनारस में जितने भी लोग मिले, जितने भी दोस्त मिले और जितने भी वेल विशर मिले मुझे, मेरे सभी को मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज मेरा एडमिशन हो पाया है तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 100% है। सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है लेकिन सर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। और इसी के साथ मैं सभी को नमस्कार करता हूँ।